पुत्र का नाम टिक। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। मेरा नाम है मेघा शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। दर्शकों, दुनिया में हर व्यक्ति के पास कई सारी प्रतिभा होती है और इन्हीं प्रतिभाओं में कई सारी चुनौती आती हैं जिन्हें वो पार करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका ढूंढता है और आगे बढ़ता जाता है। जब मुझसे कोई मेरी प्रतिभा के बारे में पूछता है तो मैं थोड़ा सोचती हूँ और जवाब देती हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर कई सारी प्रतिभाएं होती हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। यदि मैं मेघा आपसे पूछूं कि आपके अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं तो आप क्या कहेंगी? जैसे प्रिया आपने कहा कि हर व्यक्ति में बहुत सी प्रतिभा होती है, खैर अपनी बात करना छोड़ देते हैं, पर मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, यानी कि बहु प्रतिभा का सिद्धांत। उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि एक इंसान में बहुत सी प्रतिभा होती है और जरूरी नहीं है एक इंसान में एक ही प्रतिभा हो, एक इंसान में बहुत सी प्रतिभा हो सकती है। जैसे उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो इस तरह की इंटेलिजेंस जो है हम देखते हैं। जी मेघा, जब हम अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को अपना करियर चुनते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे आने वाला जो हमारा समय है, हमारे जो रास्ते हैं उसको और भी ज़्यादा आसान कर लेता है और यही प्रतिभा हमें प्रतिभाशाली बनाती है। बिल्कुल जी, प्रतिभा की बात करें, हर एक बच्चे में प्रतिभा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस प्रतिभा को ढूंढना है, क्योंकि हुनर सब में होता है पर जिसने उसको जान लिया और उस राह में आगे बढ़ गया तो वो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। बिल्कुल, आज का दर्शकों जो हमारा आज का कार्यक्रम है इसमें दो सेगमेंट रहने वाले हैं। यदि हम बात करें हमारे पहले सेगमेंट की तो वो है सरगम। हम बात करते हैं जब सरगम की तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या है सरगम? अरे प्रिया, जब सरगम की बात करते हैं तो दिमाग में, मन में सुर ताल, वो जो ताल है वो छिन जाते हैं, वो जो सुरों की जो वो ध्वनि है वो कानों में एकाएक ही गूंजने लगती है। तो आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही कलाकार मौजूद है, लेकिन उनसे आपका तारुफ करवाने से पहले हम दर्शकों को उनकी एक छोटी सी झलक जरूर देना चाहेंगे। तो दर्शकों, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरी आवाज ही पहचान है मेरी, तो यदि कोई लोग जो इन्हें देखते हैं इन्हें पहचान गए होंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। पर मैं चाहूंगी कि मेरे साथ जो मेरी वो एंकर है मेघा, वो बताए और इनका तारुफ कराए हमारे दर्शकों से। दर्शकों, जैसे कि आप इनकी छोटी सी झलक से जान ही गए होंगे कि ये है HPU के वायरल बॉयज, इनका बैंड का नाम है त्रिकोणमिति। तो आज हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद है जो हिमाचल का एक नाम जो है उत्तर भारत में काफी फैलाने में, प्रसिद्ध करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ है विपिन जी, कुलदीप जी और साथ में है सागर जी। आपका स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू। सबसे पहला और अहम सवाल तो यही रहता है कि म्यूजिक से आप जुड़े कैसे, क्योंकि आपको कह सकते हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन आप बन गए हैं अभी, तो आप विपिन जी से मैं सबसे पहले पूछूंगी कि आप कैसे म्यूजिक से जुड़े। संगीत के लिए प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे माता पिता रहते हैं जिंदगी में, तो जब इंसान आँख खोलता है तो अपने आसपास देखता है कि किस तरह का माहौल है,
तो मेरे घर में इतना माहौल तो नहीं था संगीत का, पर वैसे ही जनरली जैसे माता पिता वैसे ही गाते थे, हाँ जी वैसे ही अपने शौक के लिए, जी तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा संगीत के संस्कार हुए। तो आगे आगे जाके मैं थोड़ा टूर्नामेंट वगैरह भाग भाग लेने लगा। तो धीरे धीरे स्कूल में, फिर मैं JNV ठियोग में आया, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पर मुझे बहुत एक्सपोजर मिला संगीत का। पर जी कभी सोचा नहीं था कि आगे संगीत में कोई करियर बनाना है। मैं तो इवन होटल मैनेजमेंट की तरफ निकल पड़ा था। 10th के बाद मैंने अरे ऑप्ट किया होटल मैनेजमेंट, हमारा वोकेशनल कोर्स होता था। जी तो फिर +2 के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और करना है जी शायद। मेरा रास्ता कोई और हाँ, है मेरा रास्ता कोई और है। जी जैसा कि आपने कहा उस टाइम, पहले भी आपने कहा कि हमारा जो पैशन है, अगर हम उसको प्रोफेशन बनाएं बिल्कुल तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आज हम बिल्कुल, हमें कभी लगा ही नहीं कि मतलब पढ़ाई का कोई बोझ है हमारे ऊपर। हम बिल्कुल आराम से क्योंकि जिस इसको, चीज में आपका इंटरेस्ट होता है मेगा कहीं ना कहीं वो हमें आसान लगने लगती है और बिल्कुल उसे हम मतलब करते जाते हैं बस, है ना, और जी ऊंचाइयां हमारे पैर बिल्कुल जो चूमने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे विपिन जी ने कहा कि स्कूल टाइम में क्या होता है प्रिया, कि बच्चों को लगता है कभी हम डॉक्टर बनेंगे या कभी HM में जाना चाहते हैं, वो जो आपके एम है वो बदलते रहते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, कि आपके एम स्टार्टिंग के इनिशियल स्कूल ईयर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा सही डायरेक्शन देंगे तो एक एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा, वो आप अपना हुनर ढूंढ लेंगे कि आपको क्या करना है और आप किस चीज में अच्छे हैं। यही चीजें हम आगे कुलदीप जी और सागर जी से भी जरूर जानेंगे कि किस तरह से जुड़ाव हुआ दोनों का म्यूजिक से। पहले आज से ही शुरू करेंगे। मैम, म्यूज़िक की अगर शुरुआत की बात की जाए तो बिल्कुल वैसे ही, मतलब घर में वैसे माहौल तो नहीं था, लेकिन ये है कि पापा मेरे काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं म्यूज़िक के। तो जब स्कूल में मतलब गाना शुरू किया, मतलब टीचरों को लगा पता कि बच्चा गाता है, तो वहाँ से उन्होंने आगे काफ़ी सपोर्ट किया और धीरे धीरे टूर्नामेंट में जाने लगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब कुछ इसमें आगे कैरियर बनाना है। सेम मेरे पास भी वोकेशनल कोर्स था और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी इंजीनियरिंग की तरफ को सोच रहा था। लेकिन एंड मोमेंट में जब मेरी +2 ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि दो ऑप्शन है, या तो इंजीनियरिंग या तो म्यूज़िक। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर म्यूज़िक करूँगा तो ये मेरा मतलब पैशन भी है, और अगर इसको प्रोफेशन बनाऊँ तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, और इसमें मैं इंजॉय करता हूँ, सबसे बड़ी बात हुआ है। तो इसी तरीके से फिर आगे जनरी चल जी गई। संजय, आप बताइए आपका कैसे जुड़ाव हुआ म्यूजिक से, और अभी आप अपने दोस्तों के साथ कैसे, मतलब क्या, कैसे आप सब मिल गए और एक बैंड आपने तैयार किया? मेरा नाम संजय है। जी एक्चुअली मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, मैं PhD स्कॉलर हूँ जी और हम सारे PhD कर रहे हैं इस टाइम। तो मेरा संगीत की तरफ अगर रुझान की बात की जाए तो मेरे मम्मी, बचपन में जब छोटा सा था तो मम्मी मुझे सत्संग ले जाते थे, अरे वाह, मम्मी सत्संग गाते थे, भजन गाते थे, तो वहीं से मेरा संगीत भी वहाँ से शायद सुनना शुरू हुआ। और थोड़ा थोड़ा पिताजी भी थोड़ा फोक सॉन्ग गाते थे तो उनके उनको भी सुना, तो फिर वहाँ से स्कूल में भी गाना बजाना हुआ। तो ज़्यादा कुछ खास प्लेटफॉर्म मिला नहीं उस टाइम, पर जब कॉलेज में आया फिर विपिन जी मिले तो इनके साथ दोस्ती हुई, तो इनके साथ साथ सीखते पले पड़े बड़े हुए, मतलब बढ़ते गए आगे, हाँ तो जी, हाँ अब जी। रुकने का नाम नहीं है फिर और उसके आगे बाद, बढ़ते ही हाँ जाएंगे। जी फिर उसके बाद हमारा बैठ तैयार हुआ, कुलदीप भाई मिले, जी हाँ जी, फिर ऐसे ही प्रिया संजय की आगे। तो नाम के साथ भी एक स्टोरी जुड़ी है, इनका बैंड नेम सागर दत्ता है, तो हाँ थोड़ा जी। सा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मेरे पापा जी के जो फेवरेट हीरो है वो संजय दत्त रहे, तो इसलिए आपका नाम संजय है। तो हाँ जी, नहीं तो उस करके उन्होंने मेरा नाम संजय दत्त रख लिया। जी बाद में मेरा जब म्यूजिक की तरफ थोड़ा नाम हुआ तो मुझे लगा संजय दत्त तो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने पापा जी अपने नाम का जो सरनेम लिखते हैं तो सागर लिखते हैं, तो मेरा संजय दत्त दत्त है सरनेम, तो मैंने दोनों ही सरनेम को मिला के सागर दत्ता अपना एक अपना नाम अच्छा, बहुत बनाने अच्छी की कोशिश बहुत की। अच्छी बात है, मतलब सारी चीजें हमने जानी। हाँ जी, सुबह सुबह का समय हो रहा है, हमारे दर्शक हमें सुबह सुबह देख रहे हैं, तो क्यों ना शुरुआत एक भगवान के ध्यान से की जाए। बिल्कुल, जब भी दर्शकों हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान को याद करना हमारा पहला और अहम हो जाता है, क्योंकि यदि हम और सुबह का समय जैसा कि मेघा ने कहा, और सुबह अगर भगवान का नाम लेंगे तो पूरा दिन ही हमारा मंगलमय जाएगा। बिल्कुल, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भगवान की जो भक्ति गीत है उसके उससे सुनाएं। शिव शंकर महादेव, शिव
शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, पूरन ब्रह्म अविनाशी, पूरन ब्रह्म अविनाशी, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु। अंग भभूति सोए, अंग भभूति सोए, गले में मुकुट, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, पूरन ब्रह्म अविनाशी, पूरन ब्रह्म अविनाशी, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर महादेव। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि हमें भक्ति में हम झूम गए हैं, और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी, उनकी सुबह तो खूबसूरत बनी ही है, और साथ में उन्होंने इतना अच्छा भक्ति गीत जो सुना है, शुभ शुरुआत क्या ही हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल मेघा। अब हम आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपके जब आप स्टार्टिंग में आपने गाना शुरू किया, ठीक है, जब आपका वायरल हुआ वीडियो, वो आपका पहला वीडियो था, और आई थिंक हमने जब वो देखा है, आप किसी रूम में बैठे हैं, रिलैक्स किसी रूम में बैठे हैं, और आप तीनों वैसे ही, जैसे अब यहाँ पे आप जुगलबंदी जैसी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप वैसा ही कुछ कर रहे थे, तो क्या स्टोरी है उसके पीछे, क्या कुछ हुआ है? इसके पीछे की स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। इसके पीछे हमने कोई खास प्रैक्टिस नहीं की, जैसा हम अमूमन करते हैं, कोई भी करता है, कोई वीडियो बनाने के लिए पहले थोड़ा तैयारी करता है। बिल्कुल। तो हम नॉर्मली, हम हॉस्टल में आए, तो हॉस्टल का किस्सा जब हो रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बाकी तो इनका अपना रूम है। अच्छा। तो इनको भी हॉस्टल बॉयज के नाम से जाना जाता है, इतनी वायरल वो वीडियो हुई। तो हम हॉस्टल में आए, और हमने वैसे ही हमने सोचा कि आज ज़रा ये गाना वैसे ही गा लेते हैं। तो हम गाने लगे, तो हमने वैसे ही, मैं कैमरा रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो वीडियो इतना नेचुरल बना, इतना मज़ा आया उसको गाने का उस टाइम, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ये गाना जब हम अपलोड करेंगे तो इतना वायरल हो जाएगा। आपने खुद ही कैमरा सेट किया था? जी जी। अच्छा, वो उसमें वो रॉनेस, वो प्योरिटी, हाँ, वो जो दोस्तों में होते ना जुगलबंदी, वो पूरा दिख रहा है, पूरा फुल कॉम्बिनेशन है वो पूरी वीडियो। तो वो सॉन्ग जो है, वो आपने रिमिक्स गाया है किसी का, कैसा, मतलब क्या स्टोरी है उसके पीछे कि यही गाना गाना है, या नॉर्मली हम बैठते हैं कि चलो ये वाला गाना गाते हैं, और आपने बताया कि आपने खुद ही वीडियो बनाया था, वो क्या था? कुलदीप जी आप बताएं। मैम, ऐसा कुछ ये भी प्लान नहीं था कि यही गाना गाना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम मतलब ऐसे गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं जो मतलब बहुत अंडररेटेड रहते हैं, या लोगों तक मतलब उतने पहुँचे नहीं हैं। तो जब हम ये गा रहे थे, तो उससे पहले बल्कि हम मतलब डिस्कस कर रहे थे कि इतना अच्छा गाना है, और ऐसे भी बहुत कई गाने हैं मतलब जो हम गाते हैं, जो ज़्यादा तक लोगों तक उनकी रीच नहीं रही है अपनी। तो जब हम गा रहे थे, हम जस्ट जैम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वीडियो भी बना ही लेते हैं। तो जैसे वीडियो बनाई, उसके बाद मैं सोलन जा रहा था घर की तरफ को, तो विद इन मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे में मेरे को फ़ोन आया विपिन भाई का, तो बोलते कि वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं घर में पहुंचा तो काफ़ी व्यूज़ हो चुके थे उसमें। तो वैसा कुछ प्लान करके तो कुछ नहीं था इसका, लेकिन बस वैसे ही होता गया। आपको किसी ने कॉल किया था कि आपका जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया है, या आपने खुद ही देखा कि हाँ देखता हूँ मैं कितने ज़्यादा इसमें व्यूज़ आए हैं, क्या रिएक्शन था और कैसे आपको पता लगा? एक्चुअली मैं रसोई में खाना बना रहा था उस टाइम। तो मेरा एक कज़न है, राहुल नाम है उसका, दोस्त है मेरा, उसने मेरे को कॉल करी, भैया आपका जो गाना है बोले बड़े बड़े पेज पे चला गया और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। फिर मैंने देखा और उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ हो चुके थे, और बहुत खुशी हुई कि काफ़ी अच्छा
रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, सोशल मीडिया की तरफ से भी, तो फिर आपस में बातचीत हुई, फिर हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस पे एक दूसरे से बात करी और काफी खुश हुई। हाँ जी, सबसे यादगार लम्हा तो रहा ही होगा, दुर्गा प्रिया वो गाना सुन लिया जाए। हाँ। इतना ज्यादा फेमस था, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, दिलरुबा उस गाने का नाम है, तो वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। जी, इस गाने के बारे में मैं थोड़ा बिल्कुल और शेयर करना चाहूंगा आपसे। जी हाँ। तो ये गाना हमने बेसिकली क्या है, हमने कैलाश खेर को थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, ये गाना कैलाश खेर जी का। हाँ। है। जी, तो जी। आज से एक या दो साल पहले हमने कैलाश खेर को काफी सुनना शुरू किया, तो हमने बहुत से ऐसे गाने सुने इनके जो काफी अंडररेटेड है, तो ये गाना भी उनमें से एक है। तो जब हमारा ये गाना वायरल हुआ उसके बाद हमारे को जो है लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जो ओरिजिनल सॉन्ग पड़ा हुआ है इस पे यूट्यूब पे कैलाश खेर जी का, उसमें कमेंट आते हैं कि कौन कौन यहाँ पे एच पी वायरल बॉयज के बाद आया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इस गाने की हम शुरुआत बाद में और बताना चाहूंगा कि जब ये गाना वायरल हो गया तो उसके बाद हम कहीं पर भी जाते थे, मतलब उसके मेरे ख्याल में 2-3 दिन बाद ही हम सोलन में कुछ काम से गए थे, तो वहां पर लोगों ने हमें पहचान लिया कि आप तो वही वायरल बॉयज है। तो जहाँ पर भी जाते थे हमारे को लोग पहचान लेते थे। इवन मतलब हिमाचल से बाहर भी, मैं अभी रिसेंटली देहरादून गया था तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों मतलब मिले जो जानते थे। गुजरात गया था तो वहाँ पर भी लोग जानते थे, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी हमारे लिए कि काफ़ी लोगों ने मतलब ये वीडियो देखी और मतलब लोग पहचानने लगे। एक छोटी सी चीज़ के पीछे, या एक आपने नॉर्मली आपने बताया कि हम ऐसे बैठे थे और सोचा एक वीडियो बना दे, और कितनी कहानी इस पे मतलब आपकी बन गई और आपका जीवन जो है अब इस रास्ते पे ही चल पड़ा। हाँ जी। तो हम वो गाना जरूर सुनना चाहेंगे जिससे आप आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल है और आने वाले टाइम में आपको एक रास्ता दिया है इसने। जी मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। नहीं पीना नहीं तेरे इंतजार में, रोग ये अनोखा मिला मुझे तेरे प्यार में। तड़पू मैं तेरे बिनु घड़ी घड़ी पलच, उलझा के छोड़ा तूने इसी रोजगार में। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। बहुत खूब, बहुत आपको तो पता नहीं पर हिमाचल आप तीनों के प्यार में दीवाना हो गया, क्यों प्रिया? एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पुरानी वही क्लिप अभी देख रही हूँ और वैसे ही सुर वही सब कुछ और एकदम एंजॉय हमने तो किया ही है। हमारे स्टूडियो में आप आए और इतना अच्छा गाना आपने गाया है, हमारे साथ हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, वैसे ही वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट के साथ आपका इतना खूबसूरत गाना सुन रहे हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट का टेस्ट भी और एनहांस हो गया जाने वाला, राइट? जी
तो इसके बाद अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी, जैसा कि आपने बताया कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप म्यूजिक में ही पढ़ाई, आपने बताया कि आप कॉलेज के बाद, तो फ्रेंडशिप कैसे आपकी बनी, कहाँ पे आप कॉलेज में मिले या यूनिवर्सिटी में आप मिले, फ्रेंडशिप की थोड़ी सी बताया आप स्टोरी। कॉलेज की अगर बात करें तो मैं और सागर दत्ता, हम तो रामपुर कॉलेज में साथ पढ़ते थे जी। हमारी मुलाकात रामपुर में हुई, फिर संगीत के माध्यम से हम जुड़ते गए जी। तो मेरा मेजर सब्जेक्ट था, उसका माइनर था, अभी जो सिस्टम चल रहा है रूसा का सिस्टम, मेजर माइनर वाला सिस्टम, तो मेरा मेजर था उसका माइनर था, पर फिर हम साथ आते गए तो हमने संगीत को चुना, तो हम बिल्कुल एकदम से दोस्त बन गए। तो बाद में कुलदीप जी की एंट्री यूनिवर्सिटी में हुई जी। और वैसे हम पहले से कुलदीप जी को जानते थे, हम यूथ फेस्टिवल के माध्यम से इनको काफी, तो ये काफी पॉपुलर होते थे उस टाइम, इनका फर्स्ट प्राइज था क्लासिकल म्यूजिक में एक बार, तो उस टाइम से हम इनको जानते थे। वैसे ही होता है जवानी में एक किसी इंसान की इमेज बन जाती है कि यार वाह क्या बात है, तो उस टाइम से हम इनको जानते थे, ऐसा नहीं था कभी कि हमारी दोस्ती होगी, पता नहीं। तो यूनिवर्सिटी में हम मिले, तो वहाँ पर जब क्लासमेट बने तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, इवन आज तक हमारी क्लास की जो बॉन्डिंग है उसकी मिसाल दी जाती है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, वो हमें फील भी हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, आपकी जो जुगलबंदी है और एक दूसरे को जो सुर पकड़ना, क्योंकि म्यूजिक इतना ज्यादा मुश्किल होता है, एक दूसरे के सुर पकड़ना, और एक जो होता है ना कि दाल में नमक का स्वाद तभी आता है जब आप तीनों एक साथ गाते हैं और बताते हैं, तो लिख रहे हैं इनकी सोच हमारे सबकी सोच सेम थी, ये भी वही चीजें सुनते थे। आपके मेंटल थॉट्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप, आपके थॉट्स, आपके विचार एक दूसरे के साथ मिलते हो तो वाइब्स मिलती हो, तो फिर आसान हो जाती है जिंदगी। जैसे इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो मतलब जानते थे हम, कॉलेज से आते थे, मैं सोलन कॉलेज से आता था, ये रामपुर कॉलेज से आते थे, लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में मिले, हमने बात करी, म्यूजिक के थ्रू हम कनेक्ट हुए, और वही बात है कि जब म्यूजिक के थ्रू इतना कनेक्ट कर जाते हैं तो सारे विचार मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हमें खुद भी पता नहीं लगा, हम काफी साथ में रहने लगे, जैम करने लगे, गाने गाने लगे, तो बस वो दोस्ती और वो म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जिसने हमारे को जोड़ के रखा हुआ है तब से लेकर आज तक। बिल्कुल, तो अगर आगे आने वाले टाइम की बात करें तो क्या प्लान्स हैं आपके, क्या कुछ करना है, क्या म्यूजिक फील्ड में ऐसे बैंड को आगे बढ़ाना है, या पढ़ाई की फील्ड में आगे जाके कहीं पे प्रोफेसर बनना है, क्या कुछ सोचा है? जी मतलब अभी ये तो दोनों प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बन चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस। बाकी बैंड का प्लान हमारा यही है कि अभी कुछ गाने हम सोच रहे हैं करने की, रिकॉर्ड करने की, खुद ही कंपोज करने की और प्रोड्यूस करने की। तो सबसे अच्छी बात जो इस बैंड में हमारे को मतलब लगती है कि हम तीनों लीड सिंगर हैं, मतलब कभी भी ऐसा बैंड का कंसेप्ट बहुत कम रहा है कि जिसमें तीन लीड सिंगर हो, सब में ऐसा होता है कि एक लीड सिंगर है बाकी म्यूजिशियन है, तो ये एक लगता है कि एक नया कंसेप्ट भी है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही गाने हम आगे बनाने की सोच रहे हैं। आपके बैंड का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहे तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ख्याल कैसे आया कि इस बैंड का नाम त्रिकोणमिति रखा जाए? सागर जी आप बताएंगे। वो एक्चुअली पहले तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम बैंड बनाएंगे, लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको बैंड बनाना चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है आपके लोगों के लिए, तो मैं ऐसे भी इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में, ऐसे वी आई पी जैसे वर्ड बीच में बोलता रहता हूँ कब कब के लिए, तो हम ऐसे ही प्लान कर रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, तो विद इन 3 सेकेंड्स की बात है तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मुँह से कि ट्रिग्नोमेट्री। और इनका क्या रिएक्शन था? मैम वो हुआ ऐसा कि जब हमारा मतलब वो गाना वायरल हो गया तो उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि बैंड का कुछ नाम रखते हैं, एक मतलब पहचान जो मतलब सबके मतलब दिमाग में बस जाए, दिमाग में कुछ ऐसा नाम होना चाहिए, तो मतलब ये बोला ही था उतने को 2-3 सेकंड में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया। और मैं ऐसा हो गया कि मतलब ये तो बहुत अमेजिंग नाम है, बहुत डिफरेंट है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति, मतलब आपकी लाइफ में इंस्टेंट ही हुआ है सब कुछ, गाना आपने ऐसे ही सोचा, इंस्टेंट वो वायरल हो गया, आपने ये अपना जो आपका बैंड का नाम है वो भी इंस्टेंट सोचा और अभी वो चल रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि प्रिया इन्होंने खूबसूरत बात कही अपने बैंड की, हम बहुत से बैंड्स देखते हैं, जैसे आपने कहा कि आप तीनों ही लीड सिंगर हैं, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। कई बार क्या होता है, एक लीड सिंगर होता है और बाकी छिप जाती है वो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो आपके बीच वो कैसे कनेक्शन है कि आप तीनों इतने सही तरह से, ऐसे लगता है एक ही सुर में वो बांधे हुए मोती नहीं होते हैं, वो वैसा लगता है, वो उसके पीछे क्या राज आप देखते हैं विपिन जी?
देखिए हम रहते तो पहले से ही साथ थे, पर इस चीज़ का श्रेय मैं लॉकडाउन को देना चाहूँगा। लॉकडाउन ने हमको इतना बांधा कि 2-4 महीना तो हम घर में रह लिए। फिर जब हमारा पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने सोचा यार शिमला चलते हैं, कुछ करते हैं जी। तो शिमला में हम लॉकडाउन के दौरान इतना साथ रहे कि हमारा सुनने का टेस्ट, हमारा गाने का टेस्ट, वो सब कुछ सेम हो गया। अरे वाह। तो फिर बाद में हमारी जैमिंग चलती रही, फिर हमारे को था नहीं अभी कभी ऐसा कि हमारा बैंड बनेगा या कुछ इस तरह का। तो जब जैमिंग कर करके हमें लगा कि लोगों ने भी सजेस्ट किया कि यार तुम तीनों का साथ में बहुत अच्छा आता है, तो फिर हमने इस बारे में सोचा आगे। जी प्रिया, जैसे हम देखते हैं कि कोविड टाइम में बहुत से कि विश्व भर में लोग डर गए थे। बिल्कुल जी। बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया, लेकिन वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो वो देखा जा सकता है कि यूटिलाइज काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से किया। तो ये सीखने वाली बात है आपसे बहुत। जब भी हम किसी संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ के फोक को जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और फोक हमारे नाटी हैं, हिमाचल की बात करें तो गाना है, पहाड़ी गाना है। तो हम अभी दर्शकों को लेकर चलेंगे आपके पहाड़ी गाने, ठंडे पानी जी जी। कुछ जो आपने गाया है तो उस पर लेकर चलते हैं हमारे दर्शकों को और एंजॉय करते हैं फोक गीत। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ओ ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। आरी सड़का मोटरा चलो, आरी सड़का मोटरा चलो, परली सड़को हाथी, ओ परली सड़को हाथी। इतना खूबसूरत गाना और दर्शकों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा, हमने भी देख के स्क्रीन पे इतना अच्छा, मतलब हमारे जो फोक बजता है ना तो एक अचानक ही अपने खुद ही पांव थिरकने लगते हैं और मन करता है कि खुद थोड़ा सा नाटी हम कर लें। क्यों ना ये लाइव भी सुन लिया जाए, इतना एंजॉय किया तो आज हमारे सामने है तो हम लाइव भी जरूर सुनना चाहेंगे। ठंडा पानी मेरे करोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे करोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ओ ठंडा पानी मेरे करोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे करोरा, आई जा संती ये धान। आरी सड़को मोटरा चलो, आरी सड़को मोटरा चलो, परली सड़को हाथी, ओ परली सड़को हाथी। आपू तो चली बोलो मेरे के अड़िए, आपू तो चली बोलो Bye.
बहुत ही खूबसूरत। और जब तो हमारे फोक गीत बजते हैं तो एक अलग सा ही नशा है उनका जी जी। तो अगर हम बात करें आपकी रियाज़ में कितना समय आप देते हैं, क्योंकि एक जो होता है म्यूज़िक में हमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम इसमें और आगे अच्छे से काम कर सकते हैं, कितना समय आप रियाज़ के लिए देते हैं जी? शास्त्रीय संगीत में रियाज़ का बहुत महत्व है जी। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, रियाज़ के लिए हमें प्रातःकाल में उठना पड़ता है सुबह, तो हम इतना 4 बजे तो नहीं उठ पाते हैं स्टूडेंट ये, तो हम 5-5:30 उठ जाते हैं, तो 1.5-2 घंटा रियाज करते हैं सुबह उठ के, बाकी क्लास में तो चलो चलता ही रहता है, बाकी शाम को भी थोड़ा टाइम देते हैं जी। जैसे आपने बताया कि आप हॉस्टल रहते हैं और आप तो रूम्स में रहते हैं, तो आप साथ में रियाज करते हैं या अलग अलग आप अपने अलग करेंगे, आप हॉस्टल में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं? रियाज हमारा अलग अलग होता है, बाकी जब जैमिंग की बात आती है तो वो हमेशा साथ में। तो आप किस तरह से समय देते हैं कि आज साथ में मिलकर जैमिंग करेंगे, कुछ नया बनाते हैं? बस हम कुलदीप भाई को फोन कर देते हैं सुबह से कि आ जाओ भाई। अच्छा जी जी जी। पुराने गाने आपको पसंद है या अभी जो नए आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो आपको गाने पसंद है, किस तरह के गाने आपको ज्यादा पसंद है? देखिए गाने दोनों ही तरह के अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो अगर एक आप ऐसे पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि पुराने गाने क्या है, वो ज़्यादा लिरिकली भी रिच हैं और म्यूजिकली भी रिच हैं, तो आजकल थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है तो बिल्कुल म्यूज़िक एक मतलब हमारी जो कह सकते हैं कि डांस और म्यूज़िक हमारी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का एक आसान तरीका है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जो म्यूज़िक है, हम कभी सैड बैठे हैं तो हमें वो एकदम से चार्जअप कर लेगा, अगर हमें कोई ऐसा सॉन्ग चाहिए, इमोशनल है तो उसके लिए गाना है, हैप्पी है तो उसके लिए गाना है, शादी में जाना है तो उसके लिए गाना है, हर चीज़ के लिए गाना है। तो जैसा आपने बताया कि आप ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उसमें एक मीनिंगफुल आपने बताया, तो एक ओल्ड सॉन्ग जो आप तीनों को बहुत पसंद है जी। एक मूवी आई थी हीना, आपने देखी होगी, वो मेरी बहुत पसंदीदा मूवी है, हमारी भी, हम सब की, तो उसमें एक गाना है देर ना हो जाए कहीं। कभी काली घटा ने डेरा डाला, कभी बैरन हवा ने रास्ता रोका, कभी काली घटा ने डेरा डाला, कभी बैरन हवा ने बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, सारे वादे इरादे बरसात आके, सारे वादे इरादे बरसात आके, सो जाते हैं मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए।
बहुत बहुत खूब जी, देर का तो पता नहीं, पर हम तो चाह रहे पूरा दिन आपको सुने, और हमारे दर्शक भी अगर वो आ सकते टीवी से बाहर तो वो पक्का यही कहते कि देर का तो पता नहीं पर सुनना हम इनको बहुत, मतलब पूरा दिन चाहेंगे। एक शेर भी है प्रिया, उसमें कहा गया कि मैं हर चीज के लिए देर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई देर नहीं की है, आपका जो टैलेंट है वो सबके सामने आ रहा है और बहुत ही सही समय में आ रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगी, हमने अभी रियाज की बात की, हार्डवर्क तो रहता ही है और माँ सरस्वती की भी कृपा रहती है, पर एक और चीज आती है, गुरु, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता ये कहा जाता है, तो आप तीनों की जिंदगी में कोई गुरु होंगे, उनका कितना महत्व है आपके इस सफर में? आपसे ही शुरुआत करूं, मैं अपनी बात करूं तो मेरे कोई एक गुरु नहीं है जी, मतलब हम कॉलेज में मेरे गुरु कोई और थे, डॉक्टर एम एस राठौर सर जी, जी। तो उसके बाद विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ पे डॉक्टर जीतराम शर्मा जो मेरे गाइड भी हैं पीएचडी के, जी, जी। और डॉक्टर राम स्वरूप शांडिले, ये मेरे गुरु रहे हैं। तो गुरु कृपा का एक बहुत ही अहम रोल है हमारी जिंदगी में। गुरु, गुरु के बिना संगीत बहुत मुश्किल है। संगीत की बात क्यों की जाए, मतलब कोई भी विद्या है जी। बिना गुरु के संभव नहीं है जी। आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यूट्यूब से सीखो भाई, ऐसा वैसे जो भी है जी। पर एक जो वाइब क्रिएट होती है गुरु की हमारे सामने, बिल्कुल, तो वो यूट्यूब के माध्यम से हम देखते हैं। आज की डेट में बहुत से सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है जो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में जैसे आपने बताया कि बहुत से गुरु रहे इस कॉलेज टाइम में और रहे, यानी कि लोगों का मार्गदर्शन रहा जीवन में आपकी जिंदगी में, और मुझे लगता है कि जब हमें मार्गदर्शन मिलता है तो वो जो राह होती है वो आसान हो जाती है। कुलदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। जी मैं बिल्कुल, मैम गुरु का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता ही है, बिना गुरु के तो मुझे लगता है कि उतना पहुंच ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जी। तो ठीक वैसे ही कॉलेज में डॉक्टर सविता सहगल मैम, डॉक्टर ओपी कुशल सर, ये मेरे गुरु रहे, और इससे पहले श्री आर डी शर्मा जी, तो गुरुओं से बहुत सीखने को मिला। अभी आचार्य जीतराम सर जो मेरे गाइड भी हैं तो अभी भी उनसे सीख रहे हैं, तो गुरुओं का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है, और वही उसी आशीर्वाद से ही हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं जी। प्रिया, हम देखते हैं ना कि गुरु का हम कितना एक ऊंचा स्थान हम पाते हैं, और आज हमें देखने को मिल रहा है, और जो आपके गुरु होंगे आपके पेरेंट्स और हिमाचल भी आप पे गर्व तो कर ही रहा होगा, लेकिन जो गुरु के मन में जो एक आता है ना कि वाह मेरा बच्चा मेरा शागिर्द आज मंच पर है कुछ अच्छा कर रहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी। सागर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। मुझे तो लगता है पहली गुरु तो आपकी माता जी रही होगी, आपको सत्संग में ले जाती थी, लेकिन आपके गुरु कोई और रहे होंगे। शुरुआत तो वहीं से ही होती है, माता ही सबकी सबसे पहली गुरु होती है जी। पर संगीत के लिए एक गुरु का होना जरूरी बहुत है, जरूरी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिल्कुल। और मेरे गुरु जी भी ऐसे ही एम एस राठौर, डॉक्टर एम एस राठौर रहे कॉलेज टाइम में, और उसके बाद आचार्य जीतराम शर्मा जी, चांडिल गुरु जी से भी सीखा जी। फिर इधर उधर से सुन के भी, और आपस में भी एक दूसरे के गुरु और शिष्य है हम, एक दूसरे से भी काफी सीखा हमने जी। और अच्छे आर्टिस्ट को सुनना शुरू किया और बस वही सी संगीत। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही कहीं ना कहीं है जो फेम आपको मिला है, सोशल मीडिया की ही देन है कह सकते हैं। हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए, कहीं कि कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, पर सोशल मीडिया आज के समय में ऐसा है कि आपको एक आसान प्लेटफॉर्म एटलीस्ट मिल गया है। वो फिर आपके टैलेंट पे बात करते हैं कि आपकी टैलेंट कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी लाइफ में आप क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया कैसा है और कैसे उसने आपको हेल्प किया है? आज की बात अगर की जाए तो पहले क्या होता था कि सब कुछ टीवी पर डिपेंड रहता था, तो अगर कोई टीवी तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसका कोई नाम नहीं होता था। तो आज के टाइम में सबके हाथ में फ़ोन है, अपने हाथ में फ़ोन है तो अपनी वीडियो खुद बनाइए, आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दौड़िए मत, आप खुद वीडियो बनाइए, खुद अपलोड कीजिए, सब कुछ यूट्यूब एक बहुत सशक्त माध्यम है इस चीज़ का। यूट्यूब कितने आर्टिस्ट आपको देख सकते हैं, कितने लोग आपको देख सकते हैं, तो अगर आप उनको आपका काम पसंद आएगा तो आपको जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल, मतलब टैलेंट है तो आप कहीं पे भी अपना रास्ता बना सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो डेफिनेटली आपसे और गाने सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप वो इतने बोलते हैं ना कि अभी मॉर्निंग का टाइम है और इतना अच्छी शुरुआत है, तो वो चाह रहे हैं कि बीच में बातें रहने दो, आप हमें कुछ सुनाई दो। तो कोई और जो आप तीनों का फेवरेट हो और आप ज्यादातर गुनगुनाते हो? शिमले नी बसना, कसोली नी बसना, शिमले नी बसना,
कसोली बसना चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी ए शिमले दीवाने चंबा कितनी चंबा कितनी शिमले नी बसना कसोली बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी ये शिमले दिराने चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। लैला मोहब्बता दूर दराजे, दूर दराजे अखियां च होया कसूर है, अखियां च होया कसूर। माए नी मेरी ये शिमले दिराने चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी बहुत बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, और आपने इतने अच्छे जो मधुर गाने हमें सुनाए हैं आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हमारी और हमारे दर्शकों की सुबह इतनी खूबसूरत बनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें दीजिए इजाजत। करेगी क्या मेरे गांव जा।